ओम शांति। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, आओ हम इसे सहज भाव से जिएं। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, सभी को एक सुंदर बुद्धि प्राप्त है, लेकिन किसी ने अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया, किसी ने दुरुपयोग, किसी ने बुद्धि में सद्विवेक भरा तो किसी ने अपनी बुद्धि को व्यर्थ से भरपूर कर लिया। कोई बुद्धिमान प्राणी अपने जीवन की यात्रा का बड़ा सुख ले रहा है तो कोई बिल्कुल सुख नहीं ले रहा है। कई लोगों के पास धन संपदा बहुत है परंतु वे सुखी नहीं हैं। वे भूले रहते हैं कि सुख शांति पवित्रता प्रेम संतोष ये सब भी बहुत बड़ी संपदा है। वो केवल स्थूल धन को ही सब कुछ मानकर उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, धन कमाने के लिए पाप करते रहते हैं, परंतु पाप का धन कभी भी मनुष्य के लिए फलीभूत नहीं होता। वो उसे सुखी नहीं कर सकता है, वो उसकी समस्याओं को बढ़ाएगा, उससे जिन बच्चों की वो पालना करेगा वो बच्चे चरित्रवान नहीं होंगे, कुव्यसनों में रत हो जाएंगे और माँ बाप के लिए चिंता और परेशानियों का कारण बन जाएंगे। आज यही हो रहा है, बहुत बच्चे अपने माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं। और इसके जहाँ और कारण हैं, वहाँ एक प्रमुख कारण ये भी है कि उनकी पालना गलत धन से हुई है। तो हम जीवन की इस यात्रा को आनंद से भरपूर करें। हम सभी तो कितने भाग्यवान हैं कि जब 5000 वर्ष की हमारी यात्रा पूर्ण होने को आई तो स्वयं भगवान हमारा साथी बन गया, ऊपर से आया और हमें कहा, बच्चे हे आत्माओं, तुम बहुत थक चुके हो, तुमने अपने सिर पर बहुत सारे बोझ रख लिए हैं, अनेक बंधनों में तुम बंधे हुए हो, अब मैं आ गया हूँ तुम्हें मुक्त करने के लिए, आओ मेरे साथ हो जाओ। और बाबा कहते हैं, बच्चे अपने मन के सारे बोझ मुझे देकर बेफिक्र बादशाह बन जाओ। तो हम सब की बुद्धिमानी समझदारी इसी बात में है, जब भगवान आकर हमारा साथी बना है तो मन के सारे बोझ उसे दे दें। ये मैंपन मनुष्य को बोझिल करता रहता है, मेरे बच्चे, मेरी जिम्मेदारी, मेरी चिंताएं, मैंने ऐसे किया, मुझे ऐसा ना हो जाए, ये बोझ मन को भारी किए रखते हैं। ये सब अर्पित कर दें अपने उस खुदा दोस्त को जो हमारे सभी बोझ हरने आया है। आप सभी को ये श्रेष्ठ बात अवश्य स्वीकार्य होगी। तो हम जीवन की यात्रा को सुखों से भरपूर करें, सुख देते और लेते चलें, खुशियाँ बांटते चलें, एक दूसरे के दुख दर्द सुनकर उन्हें सहयोग देते चलें, एक दो की समस्याओं में उन्हें बहुत मदद करते चलें। हमें ये कभी नहीं भूलना है, जैसा व्यवहार हम दूसरों से करेंगे वही व्यवहार हमें भी कहीं ना कहीं से प्राप्त अवश्य होगा। हम यदि खुशी देंगे तो खुशी डबल होकर हमारे पास आ जाएगी, और हम यदि दूसरों की खुशी छीनेंगे तो हमारी खुशी छीनने वाला भी कोई ना कोई आ ही जाएगा। इसलिए बहुत अच्छी तरह इस कर्मों की गति को जानते हुए ये स्वीकार कर लेना है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, मेरे कर्म हैं, मेरे संस्कार हैं या मेरे संकल्प हैं। जब तक हम उन्हें चेंज नहीं करेंगे तब जीवन की यात्रा सुखों से भरपूर नहीं कर पाएंगे। तो आज सारा दिन हम बहुत अच्छी तरह स्मृति में रखेंगे, भगवान हमारा साथी है,
यात्रा के अंत में वो हमारा साथी बनकर आ गया है, खुदा दोस्त बनकर आया है, सिर पर छत्र छाया बनकर आया है और अब वापिस जाने का समय है। तो खेल पूरा हुआ, हमें ये अपना देह रूपी वस्त्र उतार कर अपने घर जाना है, सब कुछ यहीं छोड़कर ईश्वरीय खजानों से भरपूर होकर श्रेष्ठ भाग्य से संपन्न होकर अपने घर लौटना है। ये अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति।